एक महीना अगर बॉडी में टच कर लिया तो जिंदगी में मजा लूट लोगे, दोस्तों में बैठ के तारीफ करोगे कि बाबा का वाकई माल में दम है। इसको कहते हैं शिलाजीत। अगर असली पत्थर का शिलाजीत है हाँ जी, तो बाबू कभी जल नहीं सकेगा। इसका एक तरफ से इसका धागा पकड़ो, अच्छा बाल के तरह से चाहे 10 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, 50 फुट थोड़ी शिलाजीत का धागा ले जाओ, ये बाल के बारीक शिलाजीत का धागा निकल जाएगा। अभी हम लोग जस्ट यहाँ से निकल रहे थे तो देखा एक बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जड़ी बूटी बेच रहे हैं। क्या ले बाबा? बहुत ठीक है। और बाबा ये सब क्या क्या है यहाँ पे? ये सब जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी होती है बहुत ताकत वाली, इसका नाम मूसली सफेद कहते हैं। अच्छा, ये इतनी अंदर में होती है, जमीन के अंदर में, हाँ जी, दो दो पाँच पाँच फुट खोद कर और ये झुर्री निकालनी पड़ी थी। ये निकलती है उत्तराखंड साइड में। अच्छा, या हिमाचल के साइड में निकलती है। अच्छा, मतलब पहाड़ों से निकल के आती है? पहाड़ों से निकल के ये आती है। और ये है देखो सतावर जिसको कहते हैं। सतावर, सूंठ सतावर, गोरख मुंडी, रगड़ पीस के बांध लो पिंडी। अच्छा, ना झुकेगी कमर ना झुकेगी ये जोड़, ये हड्डियों को ज्यादा ताकत देती है, दोनों को ताकत पैदा करती है। हाँ जी, बुढ़ापा आ जाएगा, 5 दिन अपने पैरों पर बैठ जाओ और ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे बैठ जाओ और ऐसे खड़े हो जाओ, मगर आज तोड़ी की ये जोड़ में दर्द नहीं बना। और बाबा की उम्र आज का टाइम 82 चल रहा है, 82 साल, 82 साल का उम्र चल रही है। और ये चीज होती है मेरे पास में पहाड़ का, इसका नाम फेमस है, मशहूर है, इसको कहते हैं शिलाजीत। अच्छा, ये है शिलाजीत, हजारन मन पत्थर से फूट के बाहर आता है। हाँ जी। और इसको लंगूर बहुत जल्दी इस्तेमाल करता है, लंगूर, लंगूर से बचाकर फिर ये इंसान के हाथ में मिलता है। और ये शिलाजीत ऐसी चीज है, पहला फायदा ये पेट को सही, पेट में हवा होना, गैस होना, कब्ज होना या पित्त का रोग होना या एसिड बढ़ जाना, उसको ये निकाल के खत्म पैदा कर, मतलब आपका हाजमा बिल्कुल ठीक कर देगा, इतना हाजमे को सही करता है। और कितना भी दौड़ का, भाग का, चल के फिर के काम कर लो, शिलाजीत हड्डियों में दर्द नहीं आने देती। इसकी असली की पहचान क्या है? असली शिलाजीत का पहचान होता है, ऐसे शिलाजीत बेचने वाले तो सैकड़ों आते हैं, देखो यह है कच्ची शिलाजीत और ऐसा ही बेच देते हैं। और यह है मक्खन मलाई शिलाजीत, और मलाई शिलाजीत का पहचान है कि इसको आग से या माचिस से जलाओ। अगर असली पत्थर का शिलाजीत है हाँ जी, तो बाबू कभी जल नहीं सकेगा, मर नहीं सकेगा। हाँ जी। और फिर इसका एक तरफ से इसका धागा पकड़ो, अच्छा बाल के तरह से चाहे 10 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, 50 फुट थोड़ी शिलाजीत का धागा ले जाओ, ये बाल के बारीक शिलाजीत का धागा निकल जाएगा। जो असली है तो, और डुप्लीकेट शिलाजीत है तो 1 फुट पूरा दिन में नहीं निकाल पाओगे। तो देखो इसकी असली पहचान करके मैं बताऊँ, ऐसे आग से या माचिस से गर्म कर दो, जला दो। शिलाजीत कभी जल नहीं सकती है, मर नहीं सकती है, आग नहीं पकड़ सकती है। अच्छा। बाबा जो पत्थर का दूध है, पत्थर का शिलाजीत है, एकदम घी और मक्खन के तरह से गल जाएगा। और गलने के बाद एक तरफ से इसका तार पकड़ो और पकड़ के चाहे कितना भी लंबा खींच लो, इतना बदन का शक्ति और इतना बदन का पावर को सही करेगा और जोड़ जोड़ को ये ताकत देगा और हड्डियों को ज़्यादा ताकत देगा। और भूख अच्छी लगती है, पेट में मल, पेट में एसिड और गैस का रोग नहीं बनेगा, शिलाजीत उसको बिल्कुल ठीक बना देता है। असली मक्खन शिलाजीत होगा, ऐसे पकड़ कर ऐसे खींच के ले जाओ, 10 फुट का खींचो, 20 फुट का खींचो, 25 फुट का खींचो, 50 फुट थोड़ी शिलाजीत का धागा ले लो, बाल के तरह से, रेशम के तरह से 100 मीटर का शिलाजीत का धागा इस कोने से इस कोने में देख लो, इसको कहते हैं मलाई शिलाजीत और असली शिलाजीत। ये शिलाजीत की जानकारी होता है, मगर एक महीना अगर बॉडी में टच कर लिया तो जिंदगी में मजा लूट लोगे, इतना बदन का जोर और इतनी हड्डियों को ताकत देगा।
जोड़ों को ताकत देगा, कमर को ताकत देगा, भूख अच्छी लगेगी, अच्छा। खाने को हजम पैदा करेगा, कब्जियत बीमारी को खत्म करेगा और एसिड को खत्म करेगा। मगर इसका खाने का ढंग यह है, देखो 15 दिन का कोर्स, ये 50 ग्राम और इससे पूरा कोर्स 100 ग्राम का होता है शिलाजीत का। 100 ग्राम शिलाजीत, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा और शतावरी, ये मिला के कभी टच कर लिया 50,000 का मलाई और मक्खन भी काम नहीं करेगा। और ये दाने अगर इसमें डाल दिए, इसका नाम छोटी हरड़ कहते हैं, पहाड़ी हरड़ कहते हैं, और ये पेट की बीमारी हमेशा के लिए गायब कर देता है। गैस होना, एसिड होना, कब्ज होना, पित्त होना, उसको निकाल के ख़त्म पैदा करेगा। दो दिन का बासी रोटी खा लो, गला पचाकन हजम करेगा। और ज़्यादा फायदा देखने चाहो तो ये जंगली अजवाइन कहते हैं, अजवाइन एक खेतों में पैदा होती है और एक जंगल में अपने आप पैदा होती है, ये जड़ी बूटियों में ही मिलता है। अगर ये चीज़ को मिला के एक जगह कूट लो और कूट कर एक महीने की मात्रा कर लो, बस एक महीना कभी खा लिया, दोस्तों में बैठ के तारीफ करोगे कि बाबा का वाकई माल में दम है और वाकई बूटियों में जान है, इतना बदन के अंदर में गुण पैदा करता है और इतना खाना खुराक इससे लगता है। और ये हड्डी तो ऐसा बन जाएगा जैसे ये बना दिया दीवार, इतनी हड्डी को ताकतवर बनाता है। शिलाजीत दुनिया में नाम से बिकता है और फेमस आइटम है, सतयुग के जमानों से चलती आ रही है, ये कभी मार नहीं खाया है, कभी गलत नहीं खाया है। बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े वैद्य पहले गांव में बनते थे और वहां से दो दो चार चार किलोमीटर से चल के ग्राहक आते थे और लेकिन अपने आराम से चले जाते थे। अरे बाबा शिलाजीत एक दुनिया में फेमस आइटम है, मगर ये चीज़ एक परहेज करना पड़ेगा, खटाई नहीं खाना पड़ेगा, खटाई नहीं खानी है। इमली का अगर परहेज कर दिया तो ये शिलाजीत इमरत जैसे काम करती है, खाने को हजम पैदा करता है, पित्त बीमारी को खत्म पैदा करता है और जोड़ जोड़ को ये ताकत देता है। तो गाइस पूरी वीडियो आपने देख ली है, साथ में आपको यहाँ पे नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, आप उस नंबर पे फ़ोन करके ऑर्डर दे सकते हो। प्लस आपको आने के लिए आना पड़ेगा दिल्ली में नेहरू प्लेस से कंप्यूटर मार्केट, कंप्यूटर मार्केट में आपको जस्ट इनके पीछे दिख रहा होगा यूनियन बैंक, यूनियन बैंक के जस्ट अपोजिट में ये बाबा बैठते हैं। तो आओ और यहाँ से अगर आपको कोई भी जड़ी बूटी चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। और देखो मेरे से अगर रा मसूरा लो तो मेरे नंबर इसके अंदर में है, उस नंबर से बाबा से बात करो, मैं आपको पूरा रिजल्ट बता सकता हूँ और कैसे खाना पड़ता है, कैसे इसको लेना पड़ता है, इसका पूरा तजर्बा मैं बता सकता हूँ, इतना बदन का गुण पैदा करने वाली चीज़। आपके लिए हम लोग कुछ अलग वीडियो लेके आए हैं, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द ब्लॉग गाइज, बाय बाय।